हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो सुपर नीट क्लासेस ऑनलाइन। आई एम सुनील कुमार। द टॉपिक फॉर टुडे इज द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, द लिविंग वर्ल्ड हमारा एनसीईआरटी 11th के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और हार्डली मैं आपसे एक दो मिनट में आपसे मैं बात करूंगा। मेरा लेक्चर टाइम पे रिलीज नहीं हो पाया, सो सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बताया भी था मैं अभी इस वक्त मैं गाजियाबाद में हूँ और मेरे पास यहाँ एनसीईआरटी भी नहीं है। एक बच्चा है आर्यन, बहुत अच्छा बच्चा है, उसने मेरे को बात करी कि सर आज लेक्चर नहीं आ रहा क्या। तो मैंने उसको बोला बेटा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी एनसीईआरटी नहीं है, यहाँ मैं बाहर हूँ। तो उसने मेरे को खुद से मेरे को उसने चैप्टर भेज दिया, बोला सर आप हमें पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो मुझे खुशी होती है ऐसे बच्चों की कि जो खुद से चिंतित रहते हैं बच्चे कि कहीं हमारा कोर्स ना पीछे रह जाए। और आपकी और मेरी ये फर्स्ट टाइम मुलाकात है 11th क्लास में, और मैं जानना चाहता हूं कि मेरे को आप लोग सेक्शन वाइज अपने नाम भेज देना बेटा कि कितने बच्चे आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और 10th क्लास में आप किस किस सेक्शन में थे, 10th बी में थे, 10th ए में थे, किस किस सेक्शन में थे, वो आप मेरे को एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना पर्सनली बेटा प्लीज, ताकि मैं आप लोगों को मैं पहचान जाऊं, है ना। और अपना फोटो भी व्हाट्सएप करना ताकि मैं शक्ल भी मैं पहचान जाऊं। टाइम हो गया, थोड़ा फेस थोड़ा धुंधला हो गया होगा इसीलिए। और देखिए मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर, और यदि आपकी कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यदि मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर चैप्टर 1, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं मेरा कर्सर भी मेरा बराबर चल रहा है, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड मेरे पीछे स्क्रीन है, आपको भी पर्दा दिखाई दे रहा है आएगा, लेकिन बराबर से स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। थोड़े पे पर्दा आएगा, थोड़े पे स्क्रीन आएगी, लेकिन आपको कंटेंट पूरा समझ में आएगा। तो देखिए चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और ये एक ब्यूटीफुल सा मैंने एक डायग्राम बना रखा है द लिविंग वर्ल्ड का। द लिविंग वर्ल्ड का मीन्स क्या होता है, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, लिविंग मीन्स जीवित, एक ऐसा संसार जहां पर जीवित चीजें, कई विभिन्न प्रकार की जहां पर जीवित चीजें हैं। तो यहां पर हम बिल्कुल हम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी चीजों को, बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं पहला पॉइंट आपको मैं दिखा देता हूं, मेरे आगे स्क्रीन चल रही है, मेरा पहले इंट्रोडक्शन है, ये आपकी स्क्रीन पे मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फैकल्टी, नेम सुनील कुमार, क्वालिफिकेशन एमएससी जूलॉजी से हूं मैं, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 8 इयर्स का है, नीट लेवल का और बोर्ड लेवल का, ठीक है। और फिर एक डायग्राम उसके नीचे बढ़िया सुंदर सा बना हुआ है, एक डाइवर्सिटी बनी हुई है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और भले ही लेक्चर थोड़े मेरे लेट आए, लेकिन मैं क्वालिटी में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करके चलूंगा स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ, ठीक है। क्वालिटी हमारी सुपरफिशियल रहेगी। और ये आपके सामने है, देखिए थोड़ा सा आगे निकल गया पीपीटी, बहुत आगे निकल गई है ना, ये मेरे को तैयार करने में देखिए वक्त लगा है, प्रेजेंटेशन तैयार करने में मेरे को थोड़ा वक्त लगा है। और ये पीपीटी आपके आगे आती है, देखिए साइंटिस्ट है ये अंश मेयर, देखिए काफी हैंडसम लग रहे हैं, ओल्ड पीपुल्स हैं लेकिन हैंडसम लग रहे हैं, साइंटिस्ट है अंश मेयर, ठीक है। बहुत पावरफुल डायग्राम है इनका। तो हमारी एनसीईआरटी में सबसे पहले यहीं से शुरुआत की गई है द लिविंग वर्ल्ड की। तो इसमें हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं द लिविंग वर्ल्ड में, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अंश मेयर का, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, फिर कल हम प्रोसीड कर जाएंगे आगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है मैं ऊपर कर रहा हूं, देखिए अंश मेयर इन 1994, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 5 जुलाई 1904 में हुआ था जर्मनी में, मेरा कर्सर बराबर चल रहा है,
और इनकी जो डेथ हुई थी एंसमेयर की वो फरवरी 2005 में इनकी डेथ हुई थी। लगभग 100 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे, 100 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। इनकी नेशनलिटी देखिए दो रही है, एक जर्मन भी रही है और एक अमेरिकन भी रही है। इनकी टू क्या रही है, नेशनलिटी रही है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीपसवॉल्ड, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। और ये अवॉर्डेड ये कहां कहां से हुए हैं अवॉर्डेड, देखिए इनको क्या क्या इनको अवार्ड मिले थे। लेडी अवॉर्डेड मिला था इन्हें 1946 में। उसके बाद एक डार्विन साइंटिस्ट थे, उनको भी अवार्ड मिला था, ठीक है। वॉल्स मेडल मिला था इन्हें डार्विन को, और डार्विन को और भी मेडल मिले थे जो आप देख रहे हैं। 1967 में भी एक मेडल मिला इनको, है ना। और नेशनल मेडिकल ऑफ साइंस 1969 देखते चलिए। और मेरे पढ़ाने के बाद जितना मैंने पढ़ा दिया उतना एनसीईआरटी भी देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे पॉइंट, क्योंकि मैं यहाँ पूरी की पूरी एनसीईआरटी को मैं नोट डाउन नहीं कर सकता, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं यहाँ केवल हाईलाइट करता हूं, ठीक है। लिनिमा मेडल भी मिला था 1977 में, बेल्जियन मेडल भी मिला है 1983 में, डार्विन को भी एक मेडल मिला है 1984 में, और इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 में मिला है। क्रेफोर्ड प्राइज मिला था 1999 में, ठीक है। अब इनका जो अंशमेयर का जो साइंटिफिक कैरियर है, देखिए अंशमेयर का जो साइंटिफिक कैरियर है, मेरा कर्सर चल रहा है, इनका साइंटिफिक कैरियर में इन्होंने किस किस फील्ड में इन्होंने काम किया था, तो इन्होंने देखिए काम किया था सिस्टमेटिक में, काम किया था इवोल्यूशनरी में, क्या किया था, थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे छाले हो रहे हैं। इवोल्यूशनरी में काम किया था, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, ऑर्थोनोलॉजी में काम किया था। ऑर्थोनोलॉजी का मीन्स होता है जो बर्ड के द्वारा पोलिनेशन होते हैं उसको हम ऑर्थोनोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में भी काम किया था, इनका ये साइंटिफिक कैरियर है। तो मैंने पूरी डिटेल में आपको सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। जैसा कि अंशमेयर के बारे में इसमें लिखा हुआ 5 जुलाई 1904, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। 3 फरवरी 2005, ये 20वीं सदी के, ये 20th century यानी कि 20वीं सदी के ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे ये 20वीं सदी के। और इन्होंने टैक्सोनॉमी में भी काम किया है, और ऑर्थोनोलॉजी, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और मॉडर्न इवोल्यूशनरी में इन्होंने काफी कुछ काम किया था। तो ये तो इनका एक इंट्रोडक्शन है कि इन्होंने किस किस चीज में इन्होंने काम किया है। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम देखते हैं ये और इसमें क्या क्या लिखा है। तो देखिए पॉइंट आपके आगे आ रहा है, व्हाट इज लिविंग कैरेक्टर्स, तो लिविंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए एक एक करके हम देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, मेटाबॉलिज्म देखेंगे, कॉन्शियसनेस देखेंगे, स्टिमुलस देखेंगे, रिस्पॉन्स देखेंगे, ये सारी चीजें एक लिविंग कैरेक्टर्स के अंदर आती हैं। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के हाईलाइट किए हुए हैं आईएमपी पॉइंट्स, जिनको आप देखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं ग्रोथ को स्टार्ट करने से पहले, कि हर व्यक्ति, देखिए बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है, बायो प्लस लॉजी, बायोलॉजी पूरा एक वर्ड है, इसमें से मैंने दो शब्द तोड़ दिए, बायो प्लस लॉजी। बायो का मीन्स होता है जीव, जीवित चीज, बायो का मीन्स होता है जीवित चीज, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवित जीवों का अध्ययन करना। बायोलॉजी के अंदर हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, और इस जीवित जीवों के अध्ययन में हर व्यक्ति अपने अपनी तरह से परिभाषाएं देता है। देखिए हिस्ट्री वाला बायोलॉजी के अपने स्तर से परिभाषा देगा, और ज्योग्राफी वाला अपने स्तर से बायोलॉजी की परिभाषा देगा, सोशियोलॉजी वाला अपने स्तर से बायोलॉजी की परिभाषा देगा, लेकिन
यदि हम एक बायोलॉजिस्ट से यदि हम बात करते हैं तो बायोलॉजिस्ट एक बायोलॉजी के पर्पस एक बायोलॉजी के स्तर को देखते हुए वो परिभाषा देगा अपनी। यदि एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, तो आज हम सारा केमिकल कंपोजिशन हमारा बॉडी का हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आज भी हम लेबोरेटरी के अंदर हम लाइफ को क्रिएट नहीं कर पाए हैं, ये बायोलॉजी के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, ग्रोथ को पहले समझ लेते हैं। ग्रोथ क्या है लिविंग कैरेक्टर्स में, व्हाट इज लिविंग कैरेक्टर्स। लिविंग कैरेक्टर्स में यदि हम ग्रोथ को समझते हैं तो ग्रोथ के अंदर शेप और साइज आता है। जब किसी बच्चे की जब ग्रोथ होती है तो उसकी शेप में भी परिवर्तन आता है और साइज में भी परिवर्तन आता है। हर ह्यूमन बींग्स एक सा नहीं होता, हर ह्यूमन बींग्स अलग अलग प्रकृति के होते हैं। 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट वेरी करता है लेंथ, है ना, और साइज वेरी करता है और उम्र के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है बच्चे की तो धीरे धीरे उसका शेप में भी अंतर आने लगता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये कह रहा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। देखिए जब ग्रोथ होती है, देखिए जब जब कोई ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी हो तो सब एक छोटे से जाइगोट होते हैं। जाइगोट के बाद होता है एम्ब्रो बनता है, उसमें होती है माइटोसिस, उसमें होती है माइटोसिस। तो सभी सेल्स अपना अपना फंक्शंस बांट लेती हैं। ठीक है, कोई सेल कोई सभी सेल्स अपना अपना फंक्शन बांट लेती हैं और ग्रोथ के दौरान होता है सेल डिवीजन। ग्रोथ के समय पे हमको सेल डिवीजन देखने मिलता है। ग्रोथ के टाइम पे सेल्स डिवाइड करती हैं, ग्रोथ के टाइम पे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है। बढ़ते हुए साइटोप्लाज्म के कारण न्यूक्लियस भी डिवाइड कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस को कंट्रोल रखना है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सभी रिएक्शंस चल रही होती हैं, तो इसलिए साइटोप्लाज्म के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी होता है और वो काम न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आप समझ गए होंगे ऑफ इंडिविजुअल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यदि हम बहुकोशिकीय जीव की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है बहुकोशिकीय जीव। यदि हम बहुकोशिकीय जीव की हम बात करें तो वो ग्रो करेगा सेल डिवीजन के थ्रू। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सब में सेल डिवीजन होता है, हमें भी सेल डिवीजन होता है तभी हम बढ़े हैं। हमें माइटोसिस हुई, एम्ब्रो से हमें माइटोसिस होती रही और हमें और हम आगे धीरे धीरे ग्रो कर गए। ठीक है, अब देखिए इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, प्लांट में भी सेल डिवीजन होता है और कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। यानी कि प्लांट और एनिमल की यदि हम बात करें तो एनिमल में अपनी एक सर्टेन एज तक होता है सेल डिवीजन, और प्लांट की बात करें तो थ्रू आउट द लाइफ उसमें सेल डिवीजन होता है। किसमें, प्लांट में, क्योंकि प्लांट और एनिमल का साइज देखेंगे तो दोनों में बहुत भारी अंतर है। एनिमल थोड़ा बड़ा होगा 6-7 फुट का, लेकिन प्लांट तो आपने देखा है कितने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब नॉन लिविंग की हम बात करें, नॉन लिविंग क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। यदि हम नॉन लिविंग की बात करें, यदि ग्रोथ नॉन लिविंग्स के अंदर होती है, नॉन लिविंग्स के अंदर यदि हम बात करें माउंटेन की बात करें और कुछ सॉइल की बात करें तो आपने देखा आंधी तूफान चलते हैं। देखिए केमिकल कंपोजिशन हमारा और आपके सेंड का मिट्टी का दोनों का केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है। ठीक है, तो यदि हम बात करें आप लोगों से कि माउंटेन है, माउंटेन में भी एक ग्रोथ होती है, तो जैसे कि मान के चलो तूफान आया आंधी आई तो वो क्या हुआ, रेत का टीला बन गया, इकट्ठा हो गया, उसको हमने ग्रोथ बोल दिया। माउंटेन में जब उधर की तरफ चक्रवर्ती तूफान आते हैं या रेतीले तूफान आते हैं तो वहां भी चट्टाने बन जाती हैं। ठीक है, तो ये हम नॉन लिविंग के अंदर हम शामिल करते हैं ग्रोथ को, तो इसलिए लिखा हुआ है नॉन लिविंग क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। देखिए ये कह रहा है माउंटेन एंड सैंड,
माउंट वाइज ग्रो, माउंट का मीन्स होता है चीजों का इकट्ठा होना, ठीक है, टू एक्यूमुलेट ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, यानी कि मटेरियल जो रेत है उसका इकट्ठा होना सतह के ऊपर, जो अभी मैंने आपको समझाया है। अब एक पॉइंट रिमेम्बरिंग रखिए, याद रखिए ग्रो, एक बात याद रखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इनसाइड, हमेशा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ग्रोथ अंदर की तरफ होती है, इनसाइड। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मीन्स होता है जो जो सभी चीजें सभी चीजों के अंदर पाई जाती हैं, जो चीज जो एक चीज सभी चीजों के अंदर पाई जाती है, क्या बोला मैंने, जो एक चीज सभी चीजों के अंदर पाई जाती है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन क्या कहता है आपका, देखिए रिप्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, रिप्रोडक्शन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम केवल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप, हम जानते हैं आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं बेटा, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यीस्ट है, हाइड्रा है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बडिंग देखने के लिए मिलती है, और प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया को हम फ्लैट वर्म बोलते हैं, ठीक है, इसमें हमको ट्रू रीजनरेशन देखने मिलता है, यानी कि एक प्लेन एरिया को आप बीच में से काट के अलग अलग कर दोगे तो जो अलग अलग प्लेन एरिया है वो फिर से एक हो जाएंगे, उनमें से फिर में विभाजन होकर फिर और नए प्लेन एरिया बन जाएंगे, ये कह रहा है, ठीक है। द फंगाई द फिलामेंटस एल्गी, द फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, प्रोटीनिमा ऑफ मोसेस मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, देखिए फिलामेंटस एल्गी हो गया, प्रोटीनिमा हो गया, मॉस हो गया, ये भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा विभाजन करती हैं, ठीक है। अब देखिए देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीवित तो होते हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि म्यूल हो गया, खच्चर, वर्कर भी हो गया, देखते हैं क्या कहता है ये, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल, खच्चर, स्ट्राइल, वर्कर भी, और देखिए इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, देखिए कुछ ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जिनमें वो जीवित तो होते हैं, लिविंग तो होते हैं लेकिन उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण, लेकिन वो है तो लिविंग, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, एबिलिटी टू सेंस, देखिए एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट का मीन्स होता है अपने आसपास के वातावरण को सेंस करना, एबिलिटी क्या कह रहा है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, अपने आसपास के वातावरण को सेंस करना, जैसे कि आपने कोई एक प्लांट है, आपने कोई प्लांट एक बंद जगह रखा हुआ है, और आपने एक घर में आपने प्लांट रखा हुआ है और उस घर में अंधेरा है और उस घर में कहीं पर थोड़ा सा छेद हो रहा है और वहां से सनलाइट आ रही है, तो वो प्लांट क्या कर रहा है, वो उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो सेंस कर पा रहा है उस सनलाइट को और वो उधर की तरफ अपनी दिशा को कर लेगा, तो इसको बोलते हैं एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, देखिए जीवन की एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हमारी टू चीजें आती हैं, एक तो हमारा एनाबॉलिज्म आता है, दूसरा आता है हमारा कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में सभी रिएक्शंस हमारी बनती हैं और कैटाबॉलिज्म में हमारी सभी रिएक्शंस क्या होता है, टूटती हैं, एनाबॉलिज्म में रिएक्शंस बनेगी, कैटाबॉलिज्म में रिएक्शंस टूटेगी, ठीक है। तो देखिए हमारी एट अ टाइम 3000 केमिकल्स और 500 रिएक्शंस एट ए टाइम हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग जीवित हैं आज, और हम सभी जानते हैं हमारी केमिकल कंपोजिशन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, सल्फर,
फॉस्फेट, ये सारी चीजें, ये सारे केमिकल कंपोजिशन हमारी ह्यूमन बॉडी के होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। मैंने अभी बताया है लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने होते हैं, जिसमें हमारी रिएक्शंस मैं आपको बता चुका हूं कितनी कितनी रिएक्शंस और कितने कितने केमिकल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग स्टिमुलस इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये कह रहा है कि थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली मींस एक साथ हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है, वही मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, ठीक है। अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मींस क्या होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मींस हम जानते हैं कि एक सेल है, कई कई जीव यूनिसेलुलर होते हैं और एक सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है और उस टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा एक व्यवस्थीकरण बनता है, पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनती है जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म वर्ड कहां से आया है, ऑर्गेनाइजेशन से आया है, ठीक है। अब देखिए यदि आप एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन की बात करें और पूरा एक ह्यूमन बींग के अंदर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम लगा हुआ है जिससे एक ह्यूमन बींग बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, यदि एक ऑर्गन पर्टिकुलर हो तो वो काम क्या करेगा, ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं कर पाएगा। यदि यदि सभी ऑर्गन्स का यदि पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, पूरा एक व्यवस्थीकरण हो जाए तो वो एक ह्यूमन बींग्स बन जाता है और परफेक्टली वर्क करता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म वर्ड आया है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये क्या लिखा हुआ है, इट इज द डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लाइफ। याद रखना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, इट इज द डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लाइफ, डिफाइनिंग फ्यूचर क्या है लाइफ का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए इस पॉइंट को मेरे। अब देखिए उसके बाद वर्ड आता है कॉन्शियसनेस आता है, फिर आता है स्टिमुलस, फिर आता है रिस्पॉन्ड। देखिए स्टिमुलस का मीन्स होता है उद्दीपन, किसी चीज का जवाब देना, उद्दीपन, ठीक है। और देखिए कॉन्शियसनेस मीन्स होता है चेतना, जैसे कि मान के चलिए मेरा एक हाथ है, मैं आपको ऐसे रुकिए थोड़ा सा, जैसे कि ये मान के चलिए ये लाइटर है, ये लाइटर है और ये लाइटर इधर जल रहा है, या ये मान लीजिए मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती इधर जल रही है और मेरा ध्यान कहीं और है, मेरा इधर उधर ध्यान है और मेरा हाथ तुरंत इधर हल्की सी जलती मोमबत्ती हल्का सा ऊपर गया और मुझे हीट सेंस हुई, तुरंत मैंने हाथ को मैंने हटा लिया, यानी कि चेतना कॉन्शियसनेस, हल्का सा ऊपर गया हाथ, तुरंत मुझे महसूस हुआ, मतलब गया महसूस हुआ, यानी कि महसूस का मतलब स्टिमुलस, तुरंत मुझे स्टिमुलस हुआ और मन, और जब मुझे स्टिमुलस हुआ तो मैंने रिस्पोंड क्या किया, मुझे स्टिमुलस हुआ दिमाग में, अरे मुझे कुछ गरम गरम लगा, इसको मैंने स्टिमुलस बोला, और मैंने इस स्टिमुलस में, मैंने इस स्टिमुलस के बदले क्या किया, मैंने रिस्पोंड किया, ये मैंने हाथ को हटा लिया, ये हो गया रिस्पोंड करना बेटा, ठीक है। तो आज तक, आज मैं यहीं तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इट इज द डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लाइफ, तो देखिए डिफाइनिंग फ्यूचर एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्शियसनेस है। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये बेसिक था मेरा, और बेसिक आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए आप लोग बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।